वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओआर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माय सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान और उसमें आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी एवं रेडियो एक्टिविता का नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो चलिए शुरू करते हैं नाभिकीय विखंडन से। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को, कि कोई भारी नाभिक हो वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए, ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन के तो घटना में विखंडित नाभिकों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो बड़े द्रव्यमान से कम होता है। इन जैसे मान लीजिए तीन टुकड़े में बट गया, तो इन तीनों का मिला करके जो कुल द्रव्यमान होगा इस बड़े वाले नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। और द्रव्यमानों का जो ये अंतर होता है कि यही नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में एकत्रित होता है। ठीक है, जब किसी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणुओं के नाभिकों का कृत्रिम विघटन यानी आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन होकर उसमें हल्के कण जैसे अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। और कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देता है और गामा फोटानों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फिर नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक का एक न्यूट्रॉन प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और इस प्रक्रिया को कुछ तीव्र न्यूट्रॉन और विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा में ये विमोचित होती है, रिलीज होती है। और यह प्रक्रिया ही परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। याद रखिएगा, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, जो ये नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, ये सब इस पे आधारित हैं, नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं। और फिर आता है परमाणु बम। तो परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम होता है नाभिकीय बम, क्योंकि ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा अविखंडनीय पात्र में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है। ये इसीलिए इतना खतरनाक होता है कि जो इसमें श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं कि एक नाभिक से वो चार नाभिक में मान लीजिए टूट गया, उसके बाद 16 हो गया, ऐसे मतलब ये जो श्रृंखला होती है ये अनियंत्रित होती है। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे विखंडन होता जाएगा ऊर्जा उसमें विमोचित होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, इस तरह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में अपार ऊर्जा जो है वो विमोचित होती है। तो उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। ठीक, फिर परमाणु बम में यूरेनियम 235 तथा अथवा प्लूटोनियम 239 के दो टुकड़े एक सघन डेंस आवरण में पृथक पृथक रखे जाते हैं और बम के विस्फोट से 10^17 कोटि का ताप और लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। परमाणु बम याद रखिएगा विखंडन की प्रक्रिया पर है। फिर है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देख लेते हैं, अथवा परमाणु भट्टी भी कहा जाता है इसको। तो ये ऐसा संयंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है तथा उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा की अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें देखिए इनके मुख्य भाग देख लीजिए। पहला तो होता है ईंधन, फ्यूल वाला, ये सबसे प्रमुख भाग है और ये वही पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। तो इस कार्य के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर आता है मंदक यानी मॉडरेटर। तो ये न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है और मंदित न्यूट्रॉनों की यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 नाभिकों में विखंडन करने की प्रायिकता अधिक होती है। इसलिए भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड ये सब मंदक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और इसमें से भारी जल जो है वो सबसे अच्छा मंदक होता है। एग्जाम में ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है मंदक, शीतलक, ये सारी चीज़ें। तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड ये मंदक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर आता है कूलेंट यानी शीतलक। तो विखंडन होने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है और शीतलक के लिए इसमें वायु
जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। याद रखिएगा, वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड शीतलक। फिर है नियंत्रक छड़ें। तो ये कैडमियम या फिर बोरॉन की छड़ें होते हैं जो कि रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। कैडमियम बोरॉन मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर ढकेला जाता है तो विखंडन की दर कम हो जाती है, और जब बाहर खींचते हैं तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो नियंत्रक छड़ें, शीतलक और मंदक, ये याद रखिएगा। अब ये तो हमने देख लिया नाभिकीय विखंडन, और हमने साथ ही साथ परमाणु बम, एटम बम और ये नाभिकीय रिएक्टर, इनके बारे में देख लिया। अब अगला है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तब इसमें क्या होता है कि उसका उल्टा, जब दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन, तो इसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलय करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, और द्रव्यमान की यह क्षति जो है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे दो न्यूट्रॉन हुए, ठीक है, 1H2 और भारी हाइड्रोजन नाभिक को संलयित करके एक डाइट्रॉन यानी डाइट्रियम का नाभिक बनाया जा सकता है। भारी नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या होता है? ये नाभिकीय संलयन बम है। उस पर हमने देखा था परमाणु बम, वो विखंडन पर आधारित था। हाइड्रोजन बम जो है ये संलयन पर है, जो भारी हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित है। क्योंकि संलयन अधिक उच्च ताप तथा अधिक उच्च ताप पर होता है, ताप दाब दोनों भी इसमें ज़्यादा होना चाहिए, अतः संलयन बम के साथ एक विखंडन परमाणु बम को प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक अभिनियंत्रित प्रक्रिया है जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। वास्तव में सूर्य जो है वो भी अपार ऊर्जा के स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन है। सूर्य भी हल्के नाभिकों का संलयन है, ये एग्जाम में पूछा गया था। सूर्य के जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है? तो याद रखिएगा, जो अपार ऊर्जा है सूर्य की वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, फिर देखते हैं सौर ऊर्जा। प्रमुख स्रोत तो इसका सूर्य है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है इसमें। हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है यही होती है सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है, फिर संलयन में उष्मीय ऊर्जा के कारण उसका तापमान स्थिर रहता है। जब विद्युत और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि ईंधन कोष्ठिका यानी फ्यूल सेल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, फ्यूल सेल प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी। ये क्या होता है? देखिए, कुछ पदार्थ स्वतः ही अदृश्य, जिसमें स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, इसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इनके इस गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। और इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। और रेडियो पदार्थों के निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तो देखिए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो है वो लेड सीसा है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। परमाणु परीक्षणों का स्थल जो है पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विघटन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन इत्यादि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रफुस्करण गड़क से लगाया जाता है। और सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। ठीक है, सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल का विद्युत उपकरण है, ये याद रखिएगा। थोरियम जो है ये एक ऐसा महत्वपूर्ण आपकी ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इसका मुख्य स्रोत होता है मोनोजाइट। ठीक है, A.H. बेथे जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल कणों की खोज वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल की
मूलकर की खोज सीडी एंडरसन और यूएस हेस ने की थी। यूएफ हेस ने ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जो ईंधन के रूप में जितना विखंडीय पदार्थ व्यय करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो ये तो रहे आपके महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।